मेयर के आवास के बाहर प्रदर्शन करेगी एबीवीपी। शाम को 4 बजे एबीवीपी का प्रदर्शन होगा। इस हादसे के खिलाफ आक्रोशित हैं और अब मेयर के आवास के बाहर प्रदर्शन करती नजर आएगी एबीवीपी। तो विरोध प्रदर्शन लगातार सामने आ रहा है, तस्वीरें सामने आ रही हैं। कोचिंग सेक्टर के बाहर अभी भी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर स्टूडेंट्स मिलकर प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, उनका गुस्सा है। अब ऐसे में एक बड़ा अपडेट यह है कि दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे को लेकर मेयर के आवास के बाहर एबीवीपी भी प्रदर्शन करेगी और शाम को 4 बजे का वो समय होगा जब एबीवीपी यहां पर प्रदर्शन करती हुई आपको नजर आएगी। लगातार इस हादसे को लेकर गुस्सा अब सामने आ रहा है क्योंकि बड़ा हादसा, दुखद हादसा जिसमें 3 स्टूडेंट्स ने अपनी जान गंवा दी और वो भी बिना उनकी गलती के, बिना उनकी खुद की लापरवाही के। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक राउज कोचिंग सेंटर में ही नियम कायदों को ताक पर रखकर बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही थी, बल्कि ओल्ड राजेंद्र नगर में बहुत सारे ऐसे कोचिंग सेंटर्स हैं और करीब करीब हर जगह पर एक जैसे हालात हैं। मेरी सहयोगी अजातिका लगातार उस इलाके से ग्राउंड रिपोर्ट भेज रही हैं, उन स्टूडेंट से बात कर रही हैं जो लाखों रुपए की फीस देकर भी लापरवाही के ऐसे सेंटर्स पर पढ़ने के लिए मजबूर होते हैं। देखिए, ताऊ इंस्टीट्यूट जहां पर वो हादसा हुआ, 3 छात्रों की मौत हो गई, वैसी लाइब्रेरीज इलाके में कई सारी हैं। ये खुद स्टूडेंट्स बता रहे हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? विवेक कुमार। विवेक, जैसी हमने अभी भी लाइब्रेरी दिखाई, हमने ग्राउंड रियलिटी दिखाई, अंडरग्राउंड में और भी लाइब्रेरीज चल रही हैं, छोटी छोटी गलियों में है और एंट्री और एग्जिट पॉइंट नहीं है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी दिया था, एक ही दरवाजे से जा रहे हैं, फिर से ऐसा हादसा हो सकता है? तस्वीरें तो नजर आ रही हैं। अभी देखा भी, ऐसी एक नहीं, यहाँ 90+ जो लाइब्रेरियाँ हैं, 90%+ बोल रहा हूँ मैं, सब अंडरग्राउंड है। एक दो जैसे KK लाइब्रेरी हुआ, विजन की लाइब्रेरी हुआ, ये 1st और 2nd फ्लोर पे हैं। बाकी जितनी भी लाइब्रेरी मिलेंगी, खासकर पतली गलियों में, पतली सी सीढ़ी, निकलने जाने का रास्ता सेम, कंजेशन, इंटर चेयर स्पेस सब कम, बहुत कंजेस्टेड होती है। मैं जो अभी देख कर आ रही हूँ उसमें वेंटिलेशन नहीं है बिल्कुल, उसमें जो कुर्सियाँ हैं बिल्कुल साथ साथ लगी हुई हैं, 100 से ज्यादा बच्चे तो उसमें बैठते होंगे। वेंटिलेशन नहीं है, प्लस सरफेस वाटर अगर अंडरग्राउंड में चला जाता है उसको निकालने का प्रॉपर सिस्टम नहीं है, प्लस यहाँ पे स्टूडेंट की सिक्योरिटी कुछ नहीं है। विवेक, ऐसी कितनी लाइब्रेरीज होंगी? 90%+ है मैम। कितने, संख्या कितनी होगी? संख्या में अगर मैं अंदाजन गली में 2 से 3 लाइब्रेरी है हर गली में। इस गली में ले जाओ आपको, देखिए एक है सामने आरंभ लाइब्रेरी, उसके आगे जाएगा फिर लाइब्रेरी है, ऐसी कई लाइब्रेरियां। तो इन लाइब्रेरीज में जो केबिन्स हैं वो ज्यादातर बने हुए हैं या किताबें भी रखी हुई हैं जिससे स्टूडेंट्स किताब पिक कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं? नहीं, वो नहीं है, मतलब ज्यादातर लाइब्रेरीज ऐसी हैं कि आपके लिए केबिन्स बना दिए गए हैं, आप उसमें जाके पढ़ सकते हैं। स्लैब है, बाकी आप अपना बुक लाइए, जो गवर्नमेंट लाइब्रेरी जो यहाँ नहीं है पटेल नगर में, उसमें बुक्स अवेलेबल है सिर्फ। जहाँ पर हादसा हुआ है राव कोचिंग, उसमें भी इसी तरह की लाइब्रेरी थी? नहीं, वो यहाँ पे तो बल्कि एक केबिन बना हुआ है ना, वहाँ पे केबिन भी नहीं है, वहाँ ग्लास का एक स्लैब है और 2 ऐसे डिवीजन है बस, और कुछ नहीं है, और उसी में सारे स्टूडेंट्स अपनी अपनी किताबों को एडजस्ट करके बैठ। जो इंसिडेंट हुआ है जहाँ पे, वो लाइब्रेरी नहीं है, वो टेस्ट सेंटर है राउच का। अच्छा। और टेस्ट सेंटर तो वहाँ पे टेस्ट नहीं होता है, कब जब टेस्ट होगा तो कुछ बच्चे टेस्ट लिखते हैं, बाकी बैठ के पढ़ते हैं, तो लाइब्रेरी कम टेस्ट सेंटर हो गया है।